हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पालक का सूप। इसके लिए मैंने लिया है, ये एक गड्डी पालक है जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है, और ये एक प्याज जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है, चार कली लहसुन, एक कप दूध, ये एक चम्मच मक्खन, एक तेज पत्ता और दो लौंग, ये थोड़ी सी क्रीम गार्निशिंग के लिए, नमक और सफ़ेद मिर्च। ये मैंने फ्राई पैन में मक्खन डाल दिया है, मक्खन को ज़्यादा जलाना नहीं है। इसके साथ ही हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और ये एक तेज पत्ता, दो लौंग, ये सब चीज़ें हम साथ साथ डाल देंगे, मक्खन नहीं तो जल जाएगा। ये लहसुन भी काट के इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसको एक मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए लहसुन प्याज हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अब हम इसमें ये पालक डाल देंगे, इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि हमें पीसना है। ये अभी थोड़ी देर में पानी छोड़ेगी और बहुत कम हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, पालक में नमक बहुत कम डलता है क्योंकि पालक नमकीन होती है थोड़ी, और ये थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च है मेरे पास, वो डालेंगे। आप मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालें। बस इसको अब हम दो तीन मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, बस पालक गलेगी फिर हम इसको। ये देखिए पालक हो गई है, कितनी कम रह गई है, ये बहुत जल्दी कम हो जाती है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसमें से ये तेज पत्ता हम निकाल दें, गैस बंद कर देते हैं, तेज पत्ता निकाल देंगे और इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए पालक ठंडी हो गई है, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब हम इसमें आधा कप पानी मिला देंगे और इसको छान लेंगे। वैसे तो बिना छाने भी बना सकते हैं, लेकिन छानने से कुछ मोटा अगर रह जाए तो निकल जाता है, तो इसको छान लेते हैं। ये देखिए पालक की प्यूरी तैयार हो गई है, इसको मैंने छान लिया है। अब हम वापस से, ये मैंने गैस जला ली है, फ्राई पैन में इसको डालेंगे और दो उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए इसमें एक दो उबाल आ गए हैं, अब ये हमारा सूप पक के तैयार है। अब हम इसमें गैस बंद कर देंगे और ये दूध भी हम गरम लिया है हमने, इसको दूध को इसमें मिक्स करेंगे। देखिए दूध डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए आप अपना उस हिसाब से रखें। मैंने ये पूरा एक कप दूध इसमें डाल दिया है और एक ही कप प्यूरी थी मेरी, पीसने के बाद ये सूप बन के तैयार है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए सूप बन के तैयार है पालक का, बहुत बढ़िया सूप बना है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत सिंपल तरीका है। आप सब लोग बनाएं, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो ज़रूर करें, मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।